जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर। कुछ ही दिनों में नया साल शुरू होने वाला है, सन 2021। साल 2021 कैसा रहेगा हर राशि के लोगों के लिए, ये आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई विचार आता है, कोई थॉट आता है वीडियो को देखकर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर कोई थॉट नहीं भी आता तो कम से कम जय श्री कृष्णा तो लिख ही सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं उस पर आप अपनी राय दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और कम से कम 5 लोगों को आप हर वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राशिफल 2021। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो पूरे साल का डिस्कस करेंगे कि हर एक राशि वाले लोगों के लिए साल 2021 जनवरी से दिसंबर तक कैसा रहने वाला है। तो जब हम एक ब्रॉडर डेट रेंज में देखते हैं, एक बड़े डेट रेंज में देखते हैं हम, तो हम मेनली जो 3-4 बड़े ग्रह हैं उनकी स्थिति को देखते हैं। तो देखिए, हर राशि का जो राशिफल अपलोड किया जाएगा वीडियो, तो उसमें हम 4 बड़े ग्रहों को मेनली उनकी स्थिति को देखेंगे और उसी के रिस्पेक्ट में हर राशि का राशिफल आपको बताया जाएगा। 4 बड़े ग्रह कौन से हैं? गुरु, शनि, राहु, केतु। हालांकि राहु केतु छाया ग्रह है, लेकिन फिर भी इनका रोल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरा कारण ये है इन चारों ग्रहों को मेनली इम्पोर्टेंस देने का, कि ये चारों ग्रह थोड़े ज्यादा टाइम में राशि परिवर्तन करते हैं। जैसे गुरु हर 12 महीने में एक बार राशि परिवर्तन करता है, शनि 2.5 साल में एक बार राशि बदलता है, और राहु केतु भी 1.5 साल में राशि बदलते हैं। इसके अलावा जो बाकी ग्रह हैं, जैसे सूर्य हर महीने राशि बदलता है, चंद्रमा हर 2.25 दिन में 2.5 दिन में राशि बदल लेता है, मंगल भी 1.5-2 महीने में राशि बदलता है, और शुक्र भी जल्दी राशि बदल लेता है, बुध भी। तो इसलिए हम इन चारों ग्रहों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे इस राशिफल में, और उसी के रिस्पेक्ट में हर राशि वालों का राशिफल कैलकुलेट किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हर राशि वाले लोगों का राशिफल हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि वालों की। देखें, मेष लग्न की कुंडली से अगर हम देखें तो गुरु और शनि आपकी राशि से 10वें भाव में इस पूरे साल रहेंगे, राहु दूसरे भाव में रहेगा और केतु 8वें भाव में रहेगा। हालांकि कुछ टाइम के लिए गुरु 11वें भाव में भी जाएंगे, मतलब कि कुंभ राशि में भी जाएंगे। पूरे साल हालांकि वो मकर में रहेंगे, लेकिन कुछ टाइम के लिए कुंभ राशि में भी जाएंगे। तो गुरु का जो गोचर है वो 10वें और 11वें भाव, मतलब मकर और कुंभ दोनों राशि में रहेगा 2021 में। शनि मकर राशि में ही रहेंगे, राहु वृषभ राशि में रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि। आपकी राशि के अकॉर्डिंग गुरु का जो गोचर रहेगा 2021 में, वो 10वें 11वें भाव में आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दूसरे भाव में जब भी राहु आ जाता है तो आपको परिवार से संबंधित चिंताएं, धन से संबंधित चिंताएं जरूर होती है। 8वें भाव में जब भी केतु का गोचर होता है तो हमेशा हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। मेष राशि वालों के लिए साल 2021 खास करके उनके वर्क प्लेस यानी कि कार्य क्षेत्र, चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस, दोनों में आपको बहुत अच्छी सक्सेस दिलाएगा। हालांकि शनि 10वें भाव में है, आपके कार्य क्षेत्र में ही रहेगा, तो कभी कभी कुछ काम आपके नौकरी में या बिजनेस में डिले होंगे। जैसे कोई डील अगर होने वाली है तो वो थोड़ी सी डिले हो सकती है। प्रमोशन जरूर होगा आपका इस साल, प्रमोशन भी में भी हालांकि कुछ डिले हो सकता है, तो कभी कभी कुछ कामों में आपका डिले होगा, लेकिन वो काम इन द एंड हो जाएगा फाइनल। मेष राशि वाले ऐसे लोग जिन्होंने कुछ ही समय पहले अपना नया बिजनेस शुरू किया है और आप उस बिजनेस में ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं कि सेटल हो गया है, अब बिजनेस एक्सपांड करना चाहिए,
तो इस साल में आपका ये काम जरूर हो सकता है, आपके बिजनेस को एक एस्टेब्लिशमेंट मिल सकता है। ये तो था आपका कार्य क्षेत्र के बारे में, जॉब या बिजनेस के बारे में। अब हम बात करते हैं मेष राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में कि मेष राशि वाले लोगों का स्वास्थ्य इस पूरे साल 2021 में कैसा रहेगा। बिजनेस या जॉब के पर्पज से तो साल अच्छा है आपके लिए, लेकिन स्वास्थ्य के पर्पज से अगर हम देखें तो कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर है। केतु 8वें भाव में है यानी कि वृश्चिक राशि में और राहु 2रे भाव में, तो आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ टेंशन, कुछ ना कुछ चिंता हमेशा रहेगी पूरे साल। मार्च तक का समय आपके लिए थोड़ा हेल्थ की पर्पज से ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर हो सकती है। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर 2021 का समय भी हेल्थ के पर्पज से आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा। मेष राशि वाले लोगों को खास करके पेट से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है उनको, गर्दन के आसपास के हिस्सों में, गर्दन के निचले हिस्से में मतलब इस तरफ यहाँ पर इनको कुछ समस्या हो सकती है, या गले में कुछ समस्या हो सकती है। तो आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहें मेष राशि वाले लोग इस साल 2021 में, खास करके मैंने जो ये टाइम बताया उस समय में। अब बात करते हैं फैमिली की। पारिवारिक दृष्टि से अगर हम देखें तो मेष राशि वाले लोगों के लिए ये साल अच्छा रहेगा, पर कहीं ना कहीं आप पर कोई पारिवारिक जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर आ सकती है। अगर आपके घर में आप कोई मांगलिक कार्य करने का सोच रहे हैं, या आगे अगले साल में 2021 में अगर आप कोई विचार करेंगे तो वो कार्य जरूर होगा आपका, जैसे शादी या कोई पूजा, इस तरह का कोई मांगलिक कार्य अगर आपके घर में होने के चांसेस बन रहे हैं तो वो बिना किसी प्रॉब्लम के अच्छे से हो जाएगा। मेष राशि वाले जो भी लोग इस साल फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर आ सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो रिलेटिव हैं उनमें से कोई आपके घर आकर कुछ दिन के लिए रुके किसी भी पर्पज से। अगर हम प्रॉपर्टी या वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से साल 2021 देखें मेष राशि वालों, तो डेफिनेटली आपको कोई अच्छा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। मान लीजिए जिन लोगों ने अपना जो पैसा है वो कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है, किसी FD में या किसी ऐसी जगह जहां पर मैच्योरिटी के बाद ही आपको वो पैसा मिल सकता है, तो अगर ऐसी जगह आपने पैसा लगाया है तो वहां से आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलने की पूरे पूरे चांसेस हैं। बिजनेसमैन है और बिजनेस में कोई पैसा अटका हुआ है काफी टाइम से, जिसकी आपको कोई उम्मीद भी ना रही हो कि शायद ही आए पैसा, वो पैसा आपके पास जरूर आ सकता है। आपकी जो सेविंग है वो भी इस साल बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मेष राशि वाले जो लोग प्राइवेट नौकरी में हैं या सरकारी नौकरी में हैं और आप घर से कहीं दूर हैं, अपने परिवार से दूर हैं नौकरी के लिए, और अगर कोशिश कर रहे हैं फिर से होम टाउन में जाने का मतलब ट्रांसफर करवाने का, तो आपको इस कार्य में सफलता मिल सकती है। या फिर मेष राशि वाले ऐसे लोग जो मन चाही जगह ट्रांसफर करवाने का सोच रहे हैं, तो आप 2021 में इस काम को बराबर करिए। बहुत ही प्रबल योग है इस साल आपके अपने मन चाही जगह ट्रांसफर करवाने का, चाहे आप प्राइवेट नौकरी में हो या गवर्नमेंट जॉब में हो। मार्च, अप्रैल और मई ये 3 महीने ऐसे हैं, इन 3 महीनों में आप कोई लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। मेष राशि वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अब उनकी बारी। मेष राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए ये साल 2021 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सारे लोगों को भाग्य का साथ जरूर मिलेगा, जो मेष राशि वाले हैं उनको भाग्य का साथ पढ़ाई में जरूर मिलेगा इस साल। अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ट्राई कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपको जो सब्जेक्ट चाहिए, जो फील्ड चाहिए वो मिल जाए, तो इसके भी पूरे पूरे चांसेस है। आपको आपकी पसंद की फील्ड या पसंद का सब्जेक्ट मिल सकता है, आप चाहे ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो। इवन जो 10th से पास होके 11th में जाते हैं और वहां पर सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, तो आपको आपकी पसंद का सब्जेक्ट वहां पर भी मिलेगा। जो स्टूडेंट्स अपने होम टाउन से दूर पढ़ाई के पर्पज से जाना चाहते हैं कि मनपसंद कॉलेज मिले या मनपसंद ब्रांच या फील्ड उनको मिल जाए, तो उन लोगों को भी इस साल सफलता अच्छी खासी मिलेगी
आपको आपकी पसंद का कॉलेज भी मिलेगा और आपको आपकी पसंद की फील्ड भी मिलेगी अगर आप घर से दूर जाने का सोच रहे हैं तो पढ़ाई के लिए। मेष राशि वाले जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होंगे साल 2021 में, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उस एग्जाम में आप क्लियर करें, और सिर्फ क्लियर ही नहीं करें, बहुत अच्छी रैंक से क्लियर करें। केतु के पूरा साल 8वें भाव में होने के कारण आपकी रुचि तंत्र मंत्र ज्योतिष या कोई ऐसी बातें जो गूढ़ रहस्य वाली होती हैं उसमें आपका मन ज्यादा लग सकता है, उसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा क्रिएट हो सकता है। अध्यात्म की दृष्टि से भी आपका अध्यात्म में इंटरेस्ट बढ़ सकता है इस साल। मेष राशि वाले लोगों के लिए जो परेशानी मैंने बताई कि हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है और वर्क प्लेस पर कोई काम डिले हो सकता है, आपकी नौकरी में प्रमोशन तो हो गई पर डिले होगा, तो ऐसी जो भी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आने वाली है तो उसके लिए उनको क्या उपाय करना चाहिए। अब हम उपाय की बात करते हैं। तो मेष राशि वाले सारे लोग जब भी आप पूरे साल में कहीं भी ट्रेवल करें, कहीं भी यात्रा करें, तो अपने साथ में चने जरूर रखें। और जब भी जैसे आप ट्रेवल कर रहे हैं, कोई नदी आती है, कोई तालाब आता है, तो वहां पर आप वो चने नदी या तालाब में डाल दें। सिर्फ ये एक छोटा सा उपाय करना है आपको, पूरे साल करना है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो इससे आपके जो प्रॉब्लम आने वाली है वो नहीं आएंगी, कम हो जाएगी या उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो ये पूरा था मेष राशि वाले लोगों का राशिफल साल 2021 का। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों पर भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। अब आपको एक काम और करना है कि आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने भी मेष राशि वाले हैं उनको ये वीडियो आप फॉरवर्ड कीजिए, जिससे उनका भी फायदा हो, उनको भी पता चले, वो भी अलर्ट हो जाए या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी इस राशिफल के को सुनकर उसके हिसाब से फिर प्लानिंग करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो लोग हमसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वो जो डिस्प्ले में नंबर शो हो रहा है आपको, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये पूरा वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्णा।